धनबाद के बबलू की पत्नी की इलाज के दौरान मौत हो गई। एक और परिजन डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, वहीं डॉक्टर परिजन पर ही दोष मढ़ रहे हैं। धनबाद के बबलू की पत्नी की इलाज के दौरान मौत हुई। धनसार में इलाज के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें रांची रेफर कर दिया, लेकिन फिर भी उसे बचाया नहीं जा सका। एक और परिजन डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, वहीं डॉक्टर परिजन पर ही दोष मढ़ रहे हैं। रिपोर्ट देखें। लापरवाही का आरोप, 2 साल बाद हुआ मामला दर्ज, डॉक्टर और सीएस के खिलाफ मामला दर्ज। सीएस ने कुछ भी बोलने से किया इनकार। 24 जून 2019 को गर्भवती सोनी की मौत रांची के एक निजी अस्पताल में हो गई थी। इससे पहले धनसार में उसका इलाज चल रहा था, जहां स्थिति बिगड़ने पर बीजीएच और फिर रांची रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज में लापरवाही की बात कही और कहा कि इसी वजह से सोनी की मौत हुई है। महिला के पति डॉक्टर चक्रवर्ती पर लापरवाही का आरोप लगाते हैं, साथ ही कहा कि इस बाबत उसने दिसंबर 2019 में ही ऑनलाइन FIR किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री जन शिकायत कोषांग में भी मामला गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब जाकर DIG की पहल पर FIR दर्ज हुआ है। बस दानी में छेद हो गया है। इसके बावजूद भी डॉक्टर 3 दिन तक जानबूझकर लापरवाही पूर्वक इलाज करते हैं। जब बच्चेदानी में छेद है तो ऑपरेशन करना था, उसके बाद उन्होंने केवल एंटीबायोटिक और पेन किलर देकर 3 दिन तक रखते हैं। मामला बिगड़ने के बाद BGS के लिए रेफर करते हैं। BGS जाने के बाद वहाँ के महिला चिकित्सकों द्वारा बताया जाता है कि अब काफी लापरवाही पूर्वक इलाज किया गया है और रोगी को बचाया नहीं जा सकता है, इसलिए बेहतर है कि आप किसी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल रांची चले जाइए। वहीं दूसरी ओर आरोपी डॉक्टर चक्रवर्ती ने आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है और परिजनों पर ही इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया, साथ ही कहा कि पूरी मेडिकल बोर्ड ने उन्हें क्लीन चिट दी है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल दास ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उधर पुलिस अधिकारी जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। तथ्य प्रमाण हम रखे हैं और वहां से डिसीजन दिया कि उसका सेल्फ नेग्लिजेंस, मरीज सही सलामत मेडिकल का छुट्टी का कागज डिस्चार्ज स्लिप उसके पास है, उसका 15 दिन बाद सीरियस हुआ है घर में, तो इसका मतलब भाई तुम दवाई नहीं खरीदे, वो लोग जो लिखा था दवाई खिलाया नहीं टाइम पर, तुम्हारा सेल्फ नेग्लिजेंस है। साफ साफ उसमें सेल्फ नेग्लिजेंस का केस बोल के मेडिकल बोर्ड उसको पास किया था। मामला है, जो तथ्य होते हैं अनुसंधान के तो अनुसंधान की कार्रवाई तथ्य के मुताबिक की जाती है, जो भी फैक्ट्स होंगे उसके आधार पर कार्रवाई। इस पूरे मामले में एक ओर जहां परिजन लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, वहीं डॉक्टर अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं। अब ऐसे में ये देखना होगा कि जांच के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है। न्यूज 11 भारत के लिए धनबाद से अरुण वर्णवाल की रिपोर्ट।